मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा इंदौर के चिमनबाग मैदान पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और पारंपरिक खेल गुल्ली डंडा, पतंगबाजी और खो खो जैसे खेलों का लुत्फ उठाया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे शामिल हुए और उन्होंने मातृशक्तियों द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते कई त्योहारों को लोग नहीं मना पाए थे, लेकिन आप जैसे ही कोरोना शहर से खत्म हुआ तो सभी त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को इंदौर के चिमनबाग मैदान में इंदौर महानगर की भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर अतिथि देवो भव की तर्ज पर हल्दी कुमकुम लगाकर एक दूसरे को अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं ने जमकर पारंपरिक खेलों का आनंद लिया। वहीं भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि महिलाओं में भी मकर संक्रांति के पर्व को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की हमारी सभी मातृशक्ति का उत्साह आपको पूरे इस मैदान में देखने को मिल रहा है और मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य पे हल्दी कुंकू, गुल्ली डंडा, सितौलिया और सभी देसी खेलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अपने सांस्कृतिक दायित्व का निर्वहन कर रही है और जो उत्साह और उमंग मैं इस पूरे मैदान में देख रहा हूँ, मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि आने वाली 23 और 24 भारतीय जनता पार्टी की इस मातृशक्ति के नेतृत्व के दम पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 23 में और 24 में बहुत बड़े मार्जिन से कमल खिलाएगी। गुरु जी, आज के समय में बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमारी देखिए, ये हमारे जो स्वदेशी खेल हैं, चाहे वो सितोलिया हो, गुल्ली डंडा हो, खो खो हो, इनके माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना और जिसको कहें कि जो बच्चे, जो युवा अपना समय खेल के मैदान पे ज़्यादा देते हैं, निश्चित तौर पे वो देश समाज के लिए भी और खुद के लिए भी एक मजबूत शरीर के साथ साथ मजबूत मस्तिष्क भी उनका तैयार होता है। और आज के युग में जो डिप्रेशन जैसी बातें चल रही हैं या जो लोग बहुत नवयुवक मानसिक अवसाद में आ जाते हैं, मेरी उनको सलाह है कि उन्हें अपना एक दिन भर का एक समय किसी ना किसी खेल में और किसी ना किसी खेल मैदान पे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा खिलाड़ी भावना बनी रहना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हमारे युवाओं को और मजबूती। वहीं कार्यक्रम में शामिल महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी जूही भार्गव ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो आजकल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गेम में लगे रहते हैं। अभिनंदन साथ ही सभी बहनों को, कविता अखंड दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वो महिला मोर्चा की प्रभारी है और दीदी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आज पुनः मैं ये बात कहना चाहूंगी कि गौरव भैया, हम बहनें आपका इसलिए भी धन्यवाद देती है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की महिला मोर्चा की जो टीम है उच्च पद पर, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। अध्यक्ष शैलजा दीदी और उपाध्यक्ष साधना दड़गे जी, इनके सानिध्य में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। माताएं बहनों ने हिस्सा लिया है। देखिए, संस्कृति हमारी बहुत ही धनवान है, संस्कृति बहुत ही रिच है हमारी, उसको साथ में लेकर चलने के लिए ऐसी उत्सुक और जागरूक महिलाओं की आवश्यकता होती है। इनकी सक्रियता है जो इन्होंने संस्कृति को संजोया हुआ है, इतनी सारी माताओं बहनों को इकट्ठा किया है, उन्हें साधना और ऐसी सभी महिलाएं जो प्रसन्न होकर जाए, ये काम बहुत बड़ा काम है। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। कुछ इतना बड़ा महिला मोर्चा को यहाँ एकत्रित किया, मैं उन सभी इस तरह के आयोजन ही मेरे साथ नगर जो बच्चों को फिर से अपने पुराने गेम्स की तरफ जोड़ते हैं, वो जानकारी गिल्ली डंडा क्या होता है, पतंगबाजी क्या होती है, इस तरीके के आयोजनों से वो जोड़ पाएंगे। और आदरणीय महापौर जी ने भी दशहरा मैदान पे 15 जनवरी को प्रोग्राम रखा है, तो उसमें इंदौर की सभी जनता से आग्रह है, निवेदन है कि सभी भाई बंधु पतंगबाजी के लिए, महिलाएं कुंकू हल्दी के लिए पधारे, वहाँ भी इस तरीके के सभी आयोजन रहेंगे, सभी गेम्स रहेंगे, बच्चे जरूर जुड़ेंगे और बहुत आनंद। पास फोन आया, बहुत बहुत धन्यवाद।